अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो क्या हाल है सबके? तो यार आज का ये सीन है कि यार आज हम करा रहे हैं कुरान खानी कब्रिस्तान में, ठीक है। कुरान खानी होगी, उसके बाद फिर चावलों की भी देगा, वो भी हम बंदों के दरमियान में तकसीम करेंगे। तो फिर हम आपको सारा सीन दिखाएंगे, ठीक है। पहले हम कब्रिस्तान जाएंगे और कुरान खानी होगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद फिर चावलों की देग होगी, वो भी हम तकसीम करेंगे आप लोगों के साथ ही। हाँ, आप लोग हमारे साथ एंड तक रहिएगा, इस व्लॉग में बहुत ही इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, ठीक है। अभी यह क्या कब्रिस्तान जाते हैं, क्या पता घर से कोई चटाई वगैरह लेकर जानी हो, वो भी लेकर जाएंगे, और सपारे भी लेकर जाने होंगे, वो भी हम लेकर जाएंगे। तो मैं आपको फिर साथ साथ सारा सीन दिखाऊंगा, ठीक है। तो यार ये मैं चटाइयाँ लेकर जा रहा हूँ कब्रिस्तान में, तो सीधा फिर आपको कब्रिस्तान में जाकर मिलते हैं। कब्रिस्तान में मैं आ गया हूँ, तो ये एक कारी साहब ये अभी आए हैं, ये कुरान पाक पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से। तो चटाई इधर ही बिछा देते हैं, अभी और भी आ जाते हैं कुरान हाफिज, वो फिर कुरान पाक पढ़ेंगे। अभी इधर चटाई बिछा देते हैं। मैं और अली भाई यहाँ घर में जा रहे हैं और कुरान खानी बस ख़त्म होने ही वाली है, क्योंकि यार वो चावलों वाली देगे आनी है। तो मैंने कहा उनको भी ज़रा देखना है, तो चटाई वगैरह बिछाते हैं, पलटे वगैरह रखते हैं, इतना ये बंदे भी आ जाएंगे, फिर इनमें हम तकसीम करेंगे। ऐसे ही है, यहाँ चाय वाले खाली कप और ये थर्मस ले कर जा रहे हैं, ऐसे ही है अली। और बारिश भी आप देखें, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, मौसम भी बहुत मैक्सी किस्म का बना हुआ है अली भाई, ऐसे ही है। जी, ऐसे ही है। अब ठंड भी शुरू हो गई है और जर्सियां भी कोट जर्सियां कोट भी निकालने पड़ेगा, ऐसे ही अली भाई। तभी जल्दी से जाते हैं और बारिश तेज ना हो जाए, देगी भी आने वाली। ये चावले वाली देगी आ गई है, ये देख सकते हैं आप लोग, और बारिश भी तेज हो गई है, ये देखे ये कर ही और बारिश भी हो रही है। भाई बस वो बंदे आते हैं, फिर रोमे तकसीम करेंगे। ये यार ये अली भाई प्लेटें साफ करेंगे, ये गंदी थी काफी हद तक, मैंने कहा यार इस पे एक बार जरा कपड़ा मार दूं, ये बड़ा अच्छा काम कर अली भाई, कपड़ा सही में चावल ज्यादा दूंगा, बोटियां ज्यादा डालूंगा, कपड़े सही से प्लेटें साफ करो, सही है। ये एक बिरयानी की देग है और उसके बाद है ये मीठे चावलों की देग है। सब लोगों में हमने तकसीम कर लिया चावल, सारे बंदे खा रहे हैं, सही है। तो उसके बाद ये अभी खाएंगे, उसके बाद फिर हम खुद खाएंगे, एक बार इनको तसल्ली से खिला लें, फिर हम खुद खाएंगे, ठीक है। ये सारे बंदे खा रहे हैं चावल, ये सारे बंदे चले गए, ये आप तो देखें चावल शावल खा के सारे चले गए हैं, अब हम खुद खाएंगे, अब बहुत भूख लगी है, काम काज कर के बहुत थक गए, अब यहाँ खुद चावल खाते हैं। पहले मैं और अमार भाई चावल खिला रहे थे, अब हम खुद चावल खा रहे हैं, ये देखें। सुनाए अमार भाई क्या हाल है आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? चावल खा लेते हैं फिर गपशप करेंगे, सही बात है। A few moments later. तो ये चावल शावल मैंने खा लिए हैं और ये मेरे बाबा जी हैं। इसमें बाबा जी क्या हाल है आप? ठीक है। तो भैया वापस जा रहे हैं आप? जा रहे हैं अभी, इधर ही रहे, एक दो दिन में आ जाएंगे, बस वो जाना यार, सर्दी बहुत है यार। अच्छा, हाँ सर्दी उधर जोरबाद में नहीं है? सर्दी जोरबाद नहीं, सर्दी यहाँ तो रात को बड़ी सर्दी लगी है। अच्छा, इसलिए अपना बड़ी चादर की थी, आवाज वाला दस रहा है। सही सही, ये कहते मैं तो पंखे चला के सो रहे। चलो खैर से जाएं बाबा जी, फिर कैसी वो बूना बनाए हुए। ये देखें, ये चाचू नईम, मलिक उजैर साहब, मलिक नईम साहब और मलिक अमार साहब। मलिक अमार क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अभी आप ही वापस जा रहे हैं? जी वापस जा रहे हैं, बहुत मजा आया आपके साथ, इंशाल्लाह दोबारा आएंगे। खैर से जाएं, फिर कभी चक्कर लगाना हमारे पास। यार मेहमान सारे चले गए हैं और अभी ये है कि यार मुझे अबू ने कहा कि यार एक बार तुम पहल जाओ, उधर मेरा एक पार्सल आया हुआ है, तो अभी यार पहल जाता हूँ, उधर से मैंने पार्सल उठाना है, फिर उधर से मैं पदराड़ चला जाऊंगा, उधर मैंने स्टोर से घर का थोड़ा बहुत सामान लेना है, तो पहले पहल जाते हैं, उसके बाद फिर पदराड़ जाएंगे, फिर हम साथ साथ आपको दिखाते हैं। यार बड़ा बैड सीन हो गया, जिसके लिए मैं आया था कि पार्सल लेना है उस दुकान से, वो देखे वो दुकान ही बंद है, वो देखे वो सामने दुकान ही बंद है,
बड़ा बैड सीन हो गया। इतनी ठंड है, इतनी ठंड पे बाइक पे आया हूँ ये देखें, और क्वारी फुल टाइम क्वारी। अभी ये है कि पदराट जाते हैं उधर से घर का सामान तो ले ना यार, ये तो जलालत ही हुई है। पदराट ही जाते हैं उधर से घर का सामान वगैरह लेते हैं। मैं इधर पदराट में आ गया हूँ, ठीक है ये स्टोर में, इधर से आप कुछ चीज़ें लेते हैं जो घर में, जो घर वालों ने मुझे कही हैं, मुझे तो भूल गई हैं। पत्ती वाला पैकेट पकड़ लेते हैं, भैया मैंने ये थोड़ा बहुत सामान ले लिए ये देखें। तो अभी यार जाते हैं, यार बाइक पे लेकर सामान बहुत मुश्किल है। अब ये देखो यार मैंने टैंकी पर सामान रखा हुआ है, ठीक है कितना मुश्किल से लेकर जाता हूँ। ठीक है यार आप लोगों की, अब देखो चैनल को सब्सक्राइब करोगे शेयर करोगे वीडियो को तभी तो यार मैं गाड़ी लूँगा। हाँ बाइक भी बहुत मुश्किल होता है, ये देखें मैं कितनी मुश्किल से अब ये ले कर जाऊँगा टैंकी पर आके। ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा शेयर करो तभी तो आपका भाई गाड़ी लेगा ना, समझा करो। फिर लंबी ट्रिप मारा करेंगे, सब्सक्राइब करोगे फिर गाड़ी लेंगे, समझा करो। या मैं घर में आ गया हूँ ठीक है, और बारिश भी ये देखें हल्की हल्की हो रही है, आपको क्या पता नज़र आ रही हो। और अभी यह है कि हमें बहुत आ गया हूँ, थोड़ी देर यार रेस्ट करते हैं, और रेस्ट क्या ही करना है, व्लॉग अभी एडिट करना है, तो फिर फ्रेश हो के फिर व्लॉग्स लोग एडिट करके फिर आपसे आराम से मिलते हैं। यार बहुत आज थक गए। The next day. यार ये अगले दिन शुरू हो गया, कल ही हमें व्लॉग एडिट करते करते बहुत थक गया था तो मैं सो गया था, टाइम को पता ही नहीं चला सही है। और आज मैं व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ, टाइम देखें आप लोग 2:57 हो गया, 3 तकरीबन हो गए, और मैं कॉलेज से भी आ गया, अभी तो अकेडमी में जाने लगूँ। और आप लोग चेक करें जो मौसम बना हुआ है ना, स्मैक्सी किस्म का मौसम बना हुआ है, सही बात है, बहुत ही हैवी किस्म का मौसम बना हुआ है, और इतनी ठंड आप लोग सोच, ये मौसम देखें आप लोग, ये देखें बादल काले काले बादल, और साथ में ये व्यू चेक करें आप लोग, ठीक है काले बादलों के साथ ये चेक करें आप लोग, ये मौसम बना हुआ है बहुत ही स्मैक्सी किस्म का, ठंड बहुत है। अभी एकेडमी जाना है यार, ठीक है ये पढ़ाई वाले काम बहुत मुश्किल हैं, ठीक है ये भी साथ साथ फिर व्लॉगिंग के साथ साथ हम और काम ही करेंगे, ये पढ़ाई और भी छोटे छोटे काम हैं वो भी हम साथ साथ ही करेंगे, आप लोगों के साथ ही सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे। ठीक है अभी एकेडमी जाते हैं, उधर से छुट्टी होगी फिर जो प्लान हुआ जो सीन हुआ फिर साथ साथ। यार मैं ट्यूशन में आ गया हूँ, अभी स्टार्ट नहीं आए, वो लगता है स्कूल में गए हुए हैं, ये सारे बच्चे अभी बातें ही कर रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं ये सारे बच्चे बातें ही कर रहे हैं, सर आएंगे तो उस वक्त ही ये सारे बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है अभी फिर इतना काम शाम लेते हैं, सर आ जाएंगे उनको सबक सुनाएंगे फिर हम आपको छुट्टी पर ही मिलते हैं। यार ट्यूशन की छुट्टी हो गई है मुझे, ये सारे लड़के वगैरह आ गए हैं इधर, और बीच में हो यार कैमरे में, ये देखें सारे लड़के छुट्टी कर रहे हैं। कभी यार मैंने पदराट जान तो जाना है, पदराट तो बीच में वो बैठ, चल पदराट जाना है एक बार, उधर ही जाकर सर की नमाज पढ़ेंगे और मैंने व्लॉग अपलोड करना है, ठीक है उधर ही व्लॉग अपलोड करेंगे, नेट तेज़ होगा, नेट ज़्यादा तेज़ होगा तो व्लॉग अपलोड करेंगे, पहले नमाज पढ़ेंगे उसके बाद फिर हम व्लॉग अपलोड करेंगे। मैंने असर की नमाज पढ़ ली है यार, तो अभी मैं इधर पदराट में ही था तो मैं सिर्फ व्लॉग अपलोड करने के लिए, ये देखें व्लॉग अपलोड हो रहा है, इधर भी नेट बहुत स्लो है, ये चेक करें व्लॉग अपलोड हो रहा है, ये व्लॉग अपलोड होगा उसके बाद फिर मैं घर जाऊँगा। ठीक है देखो जब मैं इतनी ठंड में आपके लिए आएगा या मैं व्लॉग अपलोड करूँ, आप हो या चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करते, चैनल यार आप लोग लाजमी सब्सक्राइब किया करो। ठीक है अभी ये व्लॉग जल्दी से अपलोड होगा तो फिर सीधा आपको घर जाकर ही मिलते हैं। 2000 years later जब मैं वापस आ गया था पदराट से, उधर भी नेट बहुत स्लो था। ठीक है ये देखे अभी तक व्लॉग अपलोड नहीं हुआ, 46 हुआ, ठीक है उधर भी मैं इतनी देर खड़ा रहा था ठंड में, ठीक है नेट बहुत स्लो था इस वजह से मैं भी वापस आ गया था। मगरिब की नमाज का भी टाइम हो गया था, वही मैंने पढ़नी थी, अभी अब मगरिब की नमाज पढ़ी है, मैंने कहा चलो यार अभी फिर कोशिश करते हैं अल्लाह करेगा इशा की नमाज तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है तो ये व्लॉग मैं इधर ही एंड करने लगा, उम्मीद करूँगा आपको ये व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, शेयर कर देना, और आप लोगों ने चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब करना, ठीक है उधर नीचे इंस्टाग्राम भी आ रही है उधर भी जाके फॉलो मार देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, देन सिट बाय।